स्पेशल एंजॉय करी होगी और साथ में पढ़ाई भी करी होगी, क्योंकि अब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। चिल्ड्रेन, आपका कोर्स तो लगभग कंप्लीट ही है, कंप्लीट ही हो चुका है, एक चैप्टर इस बाकी है। तो आज मैं आप लोगों को जो आप एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए कुछ रिविजन वर्क कराती हूँ। तो हम लोग सुभाषितानी पार्ट 7 इससे स्टार्ट करते हैं अपना रिविजन वर्क। जो इसमें श्लोक लिखे हुए हैं उनके अर्थ को मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? देखिए, मैं रीड करते हुए उसका अर्थ आपको समझाऊंगी, सब याद से सुनेंगे, है ना? यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायां च साधुनां एकरूपता। जैसा मन में हो, यथा चित्तम, जैसा मन में हो वैसा बोलना चाहिए, जैसे बोलना चाहिए वैसा करना चाहिए। मन, चित्ते माने मन, मन वाच माने वाणा वाणी, क्रियाया माने क्रिया, मन वाणी और क्रिया द्वारा साधुओं में समानता होती है, यानी सज्जन पुरुषों में समानता होती है। मन वाणी और क्रिया द्वारा सज्जन व्यक्ति में समानता होती है। ये पहले का हो गया श्लोक। यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्, लोचनाभ्यां विनस्य दर्पणा किम् करिष्यति। जिसके पास स्वयं की बुद्धि ना हो शास्त्र उसका कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार नेत्रहीन, लोचनाभ्यां, लोचन माने नेत्र होता है, नेत्र विहीन व्यक्ति का शीशा क्या करेगा, अर्थात कुछ नहीं करेगा। जिसको नेत्र ही नहीं है, जो देख ही नहीं सकता, उसके सामने शीशा खड़ा करने से क्या फायदा, क्योंकि वो शीशे में अपना मुख तो देख नहीं पाएगा, है ना? तो फिर से सुनिए इस प्रकार, जिसके पास स्वयं की बुद्धि ना हो शास्त्र उसका कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार नेत्र विहीन व्यक्ति का शीशा कुछ नहीं कर सकता, या नेत्रहीन व्यक्ति का शीशा क्या करेगा, अर्थात कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, अलसस्य कुते विद्या अविदस्य कुते धनम, अधनस्य कुते मित्रम अमित्रस्य कुते सुखम। आलसी को विद्या कहा, आलसी को विद्या कहा, बिना विद्या के धन कहा, अधनस्य कुते मित्रम और बिना धन के मित्र कहां, बिना मित्र के सुख कहां। जिस व्यक्ति के पास धन होता है मित्रता उसी से करते हैं लोग, है ना? और जब उसके पास धन नहीं होगा तो मित्र नहीं बनेंगे, जब मित्र नहीं बनेंगे तो क्या होगा, उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो आलसी को विद्या कहा, बिना विद्या के धन कहा, बिना धन के मित्र कहा और बिना मित्र के सुख कहा, या सुख नहीं, अर्थात इसका क्या हुआ कि हमको आलस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, रूप यौवन संपन्ना विशाल गुण संभवा विद्याहीना नाशोवन्ते निर्गंधा ईव के चुका। रूप यौवन संपन्न, सुंदरता हो, युवावस्था हो, अच्छे कुल में जन्म हुआ हो या जन्म लिया हो, विद्या के बिना, विद्याहीना यानी विद्या के बिना, वे उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जिस प्रकार किंशुक का पुष्प सुंदर तो होता है लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती, यानी खुशबू नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति यानी परिश्रम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, केवल मन में सोच लेने से कि हमने ये काम करना है कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो कार्य परिश्रम करने से ही पूरे होते हैं, इच्छा मान
हिरण प्रवेश नहीं करता, अर्थात सिंह को भी अपना शिकार करने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तब उसको अपना शिकार प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि फिर से इसका देखिए, कार्य परिश्रम से ही पूरे होते हैं, इच्छा मात्र से नहीं। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में स्वयं से मृत प्रवेश नहीं करता, अर्थात उसको परिश्रम करना पड़ता है। नहीं देखिए, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का कर्तृता। जिस प्रकार वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, ऐसे वचन से सभी प्राणी खुश होते हैं, तो ऐसे वचन बोलने में कंजूसी कैसी, यानी प्रिय वाक्य बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जो वाक्य दूसरों को प्रिय लगे, अर्थात प्रिय वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जिस वाक्य को बोलने में सभी प्राणी खुश हो, ऐसे वचन से सभी खुश होते हैं, तो ऐसे वचन बोलने में कंजूसी कैसी, अर्थात हमको अच्छे वचन यानी मधुर वचन ही बोलने चाहिए। चलें, ये आपका पूरा पाठ का मैंने फिर से आपको हिंदी अर्थ बताया है, सारे शब्दार्थ इसमें लिखे हुए हैं, आपको लर्न करने हैं, है ना, और सारे अभ्यास कार्यों को तो मैं पहले ही करा ही चुकी हूँ आपको वीडियो में, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। कॉलम का और कॉलम ख वाला भी मैच करवाया है, इसमें पद परिचय भी है, मिस शब्द विभक्ति और वचन लिखना है, सब अच्छे से सबको लर्न करना है एग्जाम्स के लिए। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में।